हेलो एवरीवन, सो मैं किशन कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो अभी हमारे पास जो अकाउंटिंग रेशियो है उसके लास्ट स्टेज पर हम आ गए, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तीन रेशियो पहले ही खत्म हो चुके हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। अब हमारे पास है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें हमारे पास पांच फॉर्मूले हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ओके, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का ये होगा आपका ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो जो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है ये हमेशा, मतलब ग्रोस प्रॉफिट ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितने भी है सारे परसेंटेज में आएंगे, इनटू में 100 लगेगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का ग्रोस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। आपको पता ही है नेट सेल्स कैसे निकाली जाती है। नेट सेल्स हमारे पास आएगी टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अगर टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दी जाए तो आपका नेट सेल्स आ जाता है। ठीक है, अब आता है ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाले। तो ग्रोस प्रॉफिट आपने दो फॉर्मूले में देखा होगा, दो अकाउंट में, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर सेल्स होती है, यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि यहां पर तीन आइटम आते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू नेट परचेज और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां पर आता है बाय नेट सेल्स और आता है क्लोजिंग स्टॉक। बात ही आती है इन सब से हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और सेल्स में से ये सारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो तो यहां पर आता है 2GP, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स में से उसकी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको कहते हैं हम जीपी। और एक जीपी निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट। आपने 11th क्लास में देखा होगा कि पीएनएल अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड में आता है बाय ग्रोस प्रॉफिट, और उसके बाद जितनी भी हमारे पास इनकम होती है इनडायरेक्ट, वो सारी यहीं आ जाती है बाय इनडायरेक्ट इनकम, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे यहाँ आते हैं। वैसे यहाँ तीन टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तीनों को ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं हम। तो अगर इसके टोटल में से हम ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है टू नेट प्रॉफिट, यही होता है ना। तो जो ग्रोस प्रॉफिट होता है किसमें होता है, तो ये कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे जोड़ दो और इसके टोटल में से ये माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, जीपी। तो एक फॉर्मूला ये होता है जीपी निकालने का, नेट प्रॉफिट इसमें प्लस कर दीजिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेट प्रॉफिट में आप प्लस कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और आप माइनस कर दीजिए इनडायरेक्ट इनकम। तो नेट प्रॉफिट में प्लस कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको टोटल करके माइनस कर दो इनडायरेक्ट इनकम, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका आ गया, दो फॉर्मूले हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और दूसरा है नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट इनकम। तो ये दोनों फॉर्मूले से जीपी निकलेगा, जीपी नेट सेल्स दोनों निकलते हैं, आप फॉर्मूले पुट कीजिए आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। गॉट इट। अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 87 क्वेश्चन करवाऊंगा, 88 करवाऊंगा, 89 करवाऊंगा। ठीक है, ओके।
तो अभी ये क्वेश्चन है आपके सामने 87 का ए, ठीक है। इसमें आपको फाइंड करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। आपको गिवन क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है 90,000 का, सेल्स है 320,000 और ये है सेल्स रिटर्न 20,000 रुपए। तो आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, नंबर एक तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट, नंबर दो नेट सेल्स। तो ग्रोस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन ही है, जीपी ग्रोस प्रॉफिट कितना है ₹90,000 एंड सेल्स, नेट सेल्स कैसे निकलेगी, नेट सेल्स इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स में से मैं सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा नेट सेल्स। सेल्स आपका है ₹3,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न है 20,000, तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे आपका आ जाएगा ₹3,00,000, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये। नाउ अब आप निकाल दीजिए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू आपके पास है 90,000 रुपीस, नेट सेल्स आपके पास है 3,00,000 रुपीस इनटू 100। तो यहां पर 3,250 से 3,250 कैंसिल 3 से 30 पर, तो आंसर आ गया इसका 30%। तो इसका मतलब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपका कितना आ गया 30%। ओके राइट डाउन कीजिए। तो अभी यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 88 का ए पॉइंट, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वही करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके लिए आपको गिवन है कुछ अलग से इंफॉर्मेशन, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, वेजेस, ये। तो हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज, परचेज की जगह मैं लिख देता हूं नेट परचेज, और नेट परचेज कैसा आएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये जो परचेज है 7,10,000, इसमें से परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं हम परचेज रिटर्न, तो 7,10,000 में से 10,000 माइनस करो तो ये नेट परचेज 7,00,000 रुपए आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कोई, है वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है आपका, ये है 40,000 प्लस नेट परचेज आपका है 7,00,000 रुपीज, 7,10,000 में से 10,000 माइनस कर दिया, प्लस वेजेज आपके पास है 80,000 80,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास है ये 60,000 60,000, तो यहां पर आएगा आपके पास 7,00,000 और ये आ जाएगा 8,20,000, 80 और 40 जोड़ोगे तो 8,20,000 टोटल में से माइनस कर दो 60,000, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 7,60,000। ओके ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपकी नेट सेल्स कैसे आएगी, नेट सेल्स अब देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कैश सेल क्रेडिट सेल, अगर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों सेल को मैं जोड़ देता हूं तो क्या आएगा आपका, टोटल सेल आएगा राइट, और इस टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड को क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न, क्योंकि जो इन हो रहा है मतलब जो रिटर्न वापसी आ रही है वो सेल्स रिटर्न है, तो इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। कैश सेल कितना है आपका 3,45,000, क्रेडिट सेल आपका है 6,30,000, माइनस सेल्स रिटर्न आपके पास है ओनली 25,000, ये रहा। तो इसमें से आप ये माइनस कर दी, इन दोनों को प्लस करके वो माइनस कीजिए तो ये आएगा 6,39,975,000 रुपए, इन दोनों को प्लस करने पर माइनस करना है 25,000, तो अगर ये 25,000 रुपए आप यहां से माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा रुपीज 9,50,000। ओके ये आ गई नेट सेल्स। अब देखिए ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स आपकी है 950,000 यानी कि 950,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी आई थी 760,000। तो इसमें से अगर 760,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यह आएगा 40 और फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा 5, 6 यहां आएगा 9, यह आएगा इसमें से माइनस करो 1। नाउ ग्रोस प्रॉफिट आ गया आपका 1,90,000। अब आप निकालोगे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका है 1,90,000, नेट सेल्स आपका है 950,000 इंटू 100। ओके, तो यहां पर आंसर आएगा 40 से 40 कैंसिल, 19,595, 5 से कैंसिल 20 पर, तो आंसर आ गया 20%। तो जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपका 20% आ गया। गॉट इट? तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत आसान था ये, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन करो। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 आ गया है। इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ही आपको फाइंड करना है, बट अब की बार नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों ही जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कौन से एक्सपेंसेस है ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने फॉर्मूला बताया था ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए बताया था क्योंकि हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब गिवन हो तो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन हो तो ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ग्रोस प्रॉफिट जो निकालना है उसका फॉर्मूला होगा ये ग्रोस प्रॉफिट, ये होगा नेट प्रॉफिट, आप इसमें प्लस कर दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दीजिए आप इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्वेश्चन में है ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट है ₹40,000 ओनली प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो है, एक तो है 20,000 प्लस एक हमारे पास है 36,000, यानी कि टोटल ग्रोस प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इन सबको प्लस करेंगे 40 और 20, 60, 30, 90 और 96,000, 96,000 यानी कि 96,000 रुपए हो गया। ओके, और नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, नेट सेल्स कितनी है 6 लाख रुपीज। तो अब आपका नाउ फाइंड कर सकते हो आप ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका है 96,000, नेट सेल्स है 6 लाख इनटू 100। ओके, तो यहां पर आप 3 और 2 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 16,696% आंसर आ गया। गॉट इट? तो इस वीडियो में आप यहीं तक ही देखिए, मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला भी, एक ग्रोस प्रॉफिट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे निकलता है डायरेक्ट सेल्स माइनस कॉस्ट ग्रोस प्रॉफिट निकलता है उस मेथड से भी। तो आप यहां तक कोशिश करना कि 95 तक क्वेश्चन सेम ऐसे हैं तो वहां तक ट्राई करना। ओके, हैव अ नाइस डे।